थोड़ा सा बताइए किस तरह का गाना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत ब्यूटीफुल गाना है, एक सूफियाना गाना है, और इस गाने को ऑफ कोर्स लिखा है हरि ओम वर्मा जी ने, और इसे कंपोज किया है मलिक जी ने, और ब्यूटीफुल कंपोज, और मैंने अपनी पूरी शिद्दत के साथ ये गाना गाया है, और आई एम श्योर जब ये गाना रिलीज़ होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सर क्या खास बात देखते हैं जब भी कोई भी गाना आपको ऑफर किया जाता है? और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाने में सोल है या नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं एक सिंगर हूँ तो मेरा धर्म है कि एक सिंगर वर्सटाइल होना चाहिए कि जो कोई भी गाना उसको मिले वो उसको अच्छे से निभा पाए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, मुझे किसी भी तरह का गाना मिले तो मैं उसको अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसको निभा पाऊँ, और बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा हुआ। सर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर किस तरह का म्यूजिक होगा फिल्म में, और ये पर्टिकुलर गाने की अगर बात करें कैसा एक्सपीरियंस था जावेद सर के साथ? बहुत ही अच्छा, और एक जो फील जो होता है सूफियानी सॉन्ग का तो वो जावेद भाई ने बहुत ही अच्छा उसे बखूबी निभाया, और उन्होंने जो मुझे फील चाहिए था उन्होंने दिया, और बहुत ही अच्छी कव्वाली हुई है सूफी से, बहुत ही अच्छा हुआ है, हमें तो अच्छा लगा, आपको भी मज़ा आएगा ज़रूर। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? बहुत ही अच्छा रहा, और स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा गाया जी। सर आपसे जानना चाहूँगा ये बायोपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह का किरदार होगा और क्या कुछ होने वाला है फिल्म? फिल्म आजकल के जैसे आजकल का चल रहा है जमाना, जमाने के ऊपर मैंने निकाली है, ये मेरी खुद की रियल कहानी है। मैं जिन तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जहाँ तक पहुँचा हूँ मैंने एटलीस्ट बताया है, बट कैसा था एक कवाली होनी चाहिए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त और मैं सुनते रहता था कवाली एटलीस्ट काफ़ी, और जावेद भाई की तो मैं सुनते ही रहता हूँ, तो मैं दिमाग में आया कवाली, भाई ने जैसे मुझे सेंड की तो मैं बोला माँ भाई अगर जावेद भाई आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब और नहले पे दहला हो जाएगा। तो मलिक भाई ने जावेद भाई से बात की और अल्लाह ताला ने जावेद भाई को भी आज आपके सामने पेश कर दिया। फिल्म में कौन से सिचुएशन में आएगा ये गाना जावेद सर का जो कवाली है? कवाली ये हम लोग रनिंग पे है, एक प्लेस लड़का लड़की घर से भागने के बाद उनको सहारा की ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला से ऊपर सहारा दूसरा तो कुछ है नहीं, अब उनके सहारे पे ही हम लोग ये थोड़ा रनिंग कर पाते हैं, और एटलीस्ट अल्लाह ताला हमें सहारा भी देता है। तो फिल्म का शूट खत्म हो चुका है या फिर 80%? ओके 80%। और कब रिलीज करने का प्लान है? एज अ प्रोड्यूसर भी आप कितना चैलेंजिंग होगा और कब प्रोड्यूसर मतलब कब सबके सामने? देखो युवाओं की है तो मेरे हिसाब से हम लोग मार्च अप्रैल में इसको रिलीज कर देंगे, अप्रैल में तो एटलीस्ट। और कहानी है तो हम लोग सोच रहे हैं, उम्मीद लेके चल रहे हैं कि लोगों के सामने अच्छा पेश करें तो लोग देख के खुश हो, जो भी देखें इसको देखने के बाद कोई निराश ना हो, बस यही उम्मीद है। जावेद सर जब भी आपको ये कहानी के बारे में सुनाया गया गाने से पहले थोड़ा सा बताइए क्या सोचा आपने, क्या रिएक्शन था उसके ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी लाइफ के ऊपर ही है कहानी। एक्चुअली मुझे कहानी इसकी नहीं बताई गई, लेकिन गाने का जो कंपोजिशन है, गाने के जो वर्ड्स हैं, उससे मुझे अंदाज़ा आ गया कि ये एक सिचुएशनल जगह पे आएगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे आएगी। तो गाने के वर्ड्स के साथ में, गाने के कंपोजिशन के साथ में मैंने अपनी आवाज़ को ढाला, और उसी के साथ में मैं खेला, और वर्ड्स के साथ में, एक्सप्रेशंस के साथ में, और उस तरह से मैंने किया। बट मुझे इस गाने की क्या सिचुएशन है ये नहीं पता थी, लेकिन सिचुएशन वर्ड्स से थोड़ा अंदाज़ा आ गया। सर आप बताइए कैसे जुड़े आप फिल्म के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? ये तीसरा गाना है फिल्म का जी, बिल्कुल। तो बताइए मतलब किस तरह का गाना होगा और कैसे जुड़े हैं आप? सबसे पहले मेरा जुड़ने का हमारे विनोद भाई है, मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा मेरी रियल लाइफ के ऊपर ये फिल्म मुझे बनानी है, और इन्होंने मुझे अपनी लाइफ की कहानी सुनाई, तो मुझे कहानी में बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि अगर हमें बाज़ार में एक अलग पहचान बनानी तो थोड़ी सी डिफरेंट कहानी पे हमें काम करना चाहिए बाज़ार में, तो मुझे कहानी एकदम सबसे अलग लगी। तो फिर मैं इस कहानी में बतौर डायरेक्टर हैसियत से इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका मौका मिला, ये मेरी किस्मत की बात है, और मैंने कोशिश की है इस फिल्म को बेस्ट से बेस्ट शूट करने की और बेस्ट से बेस्ट म्यूज़िक देने की। तो म्यूज़िक के बारे में जब आता है तो मुझे पता है जावेद भाई से बेस्ट
आवाज किसी की नहीं हो सकती, म्यूजिक कंपोजिंग की बात है। थैंक यू सो मच सर भाई। और लगभग जितने भी इस फिल्म के गाने हैं मैंने म्यूजिक से सजाया है इस फिल्म को, और मेरी कोशिश यही है कि बाजार में एक अलग पहचान बनाए और एक अलग मुकाम हासिल करे हमारी लड़कियाँ। जावेद सर, सलमान भाई का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे? कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें उनको? मैंने अभी उनके लिए दबंग 3 के लिए बहुत बड़ा गाना गाया है, नैना लड़के लड़े रह गए, और बस यही कहना चाहूँगा कि सलमान भाई आपने बहुत सारे लोगों को की ज़िंदगी संवारी हैं, और ऊपर वाला करे आपको अच्छी हेल्थ मिले और आप हमेशा हेल्दी रहें, और जिस तरह से लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, आप इसी तरह एंटरटेन करते रहें। लोग आपको हमारी इंडस्ट्री का भाईजान ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि आप भाईजान हैं, और आपको बहुत बहुत ढेर सारी दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह का बॉन्ड रहा है सलमान भाई के साथ आपका? सलमान भाई के साथ मैंने 3 फिल्मों में तो गाया है, एक तो बजरंगी भाईजान में तू जो मिला गाना गाया, तो ट्यूबलाइट में गाया मैंने उनके लिए, और तीसरा गाना ये मैंने गाया है दबंग 3 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, और मुझे खुशी है इस बात की कि सलमान भाई मुझे अपनी फिल्म में गवाते हैं, और उनके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक काम करने का एक मज़ा रहता है। सर, 2 लाइनें गुनगुना दे अगर। ओके, नैना लड़ेगी। हाँ। नैना लड़े के लड़े रह गए, 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 नैना लड़े के लड़े रह गए। सर, आखिर में इस गाने की 2 लाइन अगर गुनगुना दे आप। अब मैं थैंक यू सर, हो गया, मलिक भाई ने उसको म्यूजिक दे दिया जी, मैं खुश नसीब। वाह, दरगाह पे जाऊंगा, एक कवाली लेके ही जाऊंगा। रखे जी।